मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंगलवार को मंडी में प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने पंजीकृत मजदूरों को पंजीकरण प्रमाण पत्र भी जारी किए। सीएम ने कहा कि देश में असंगठित क्षेत्र में करोड़ों लोग काम कर रहे हैं, एक घर बनाने वाले मजदूर के बारे में कोई नहीं सोचता है। इसी तरह ऐसे कितने मजदूर हैं जो कि कई तरह के कार्यों में लगे हैं लेकिन उन्हें आर्थिक सुरक्षा नहीं है। ऐसे लोगों के बारे में सोचा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत अब तक प्रदेश में 5000 से अधिक मजदूर पंजीकरण करवा चुके हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे इस योजना को हर पात्र तक पहुंचाएं ताकि प्रधानमंत्री का सबका साथ सबका विकास का सपना पूरा हो सके। चाहे वो भोजन धोने का काम करता है, चाहे वो मीठे मिली का श्रमिक है, चाहे वो सिर पर बोझ उठाने का काम करता है, चाहे वो चर्मकार है, चाहे वो कचरा उठाने वाला है, चाहे वो बीड़ी मजदूर है, चाहे वो हथकरघा मजदूर है, चाहे वो चमड़ा मजदूर है, चाहे वो ऑडियो वीडियो श्रमिक है, ऐसे तमाम सारे जो हमारा ऑर्गेनाइज नहीं है अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो होते हैं असंगठित क्षेत्र को उसके लिए योजना समझे। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस योजना के अंतर्गत जो है पूरे देश भर में आज जो शुरुआत हो रही है ये योजना आने वाले समय में लंबे समय तक ऐसे लोगों के लिए मददगार जिन लोगों को ऐसे बुरे वक्त में मदद की आवश्यकता होगी। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश में विभाग में काम करने लगे और जैसे यहां पर मेरी जी कह रहे थे लगभग 5000 का टोटल रजिस्ट्रेशन होगा, 5000 का रजिस्ट्रेशन और इसमें और भी औपचारिकता की बहुत बड़ी आवश्यकता है। सरल किया है, सहल किया है। अब इस योजना को आम लोगों तक अधिकारियों से इस बात की आग्रह है कि सुनिश्चित करें ऐसे लोगों का काम करो, ऐसे लोगों की आप मदद करेंगे, ये सारी योजना उन तक पहुंचाने में सहयोग करेंगे तो स्वाभाविक रूप से उस आदमी की मदद होगी, उसकी पुण्य की प्राप्ति आपको होगी। तो इस दृष्टि से 18 वर्ष की आयु से इसकी रजिस्ट्रेशन हो सकती है 40 वर्ष तक और उसके साथ साथ में कुछ थोड़ा बहुत अंशदान देने का इसमें जो है तो 55 रुपए प्रतिमा अंशदान देना है और उसके साथ साथ में जो 40 वर्ष की आयु में अपना पंजीकरण रजिस्ट्रेशन करता है तो उसको 200 रुपए अंशदान देना है मासिक और उसके साथ साथ में उस योजना के इस योजना के अंतर्गत जो है वो 3000 रुपये मासिक सुनिश्चित पेंशन दी। ये मुझे लगता है बहुत ही बेहतरीन एक योजना है जिसकी शुरुआत हो रही है और मेरा सभी अधिकारियों को योजना को सरल और सहज बनाने के साथ साथ में इसका प्रचार प्रसार ठीक आम गरीब आदमी तक जो उसके लिए लाभार्थी के नाते अपना हक रखता है हक रखता है उस हक को उन तक पहुंचाने के लिए हम सब काम आ गया। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश में अभी 2 दिन की छुट्टी 28 में वो फिगर में समय तक नहीं आ पाई है लेकिन 30 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा किसानों के खाते में आप कल्पना करिए ये सारी योजना इस प्रकार से जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बनाई है वो ऐसे वर्ग के लिए जिनको सचमुच में सहारे की आवश्यकता है मदद की आवश्यकता है। और उस दृष्टि से जहां प्रधानमंत्री जी का आप अभिनंदन करते हैं सारी योजनाओं के लिए उनको बधाई देते हैं और वहां इस बात को भी कहना चाहता हूं कि आज हर उस दौर में से गुजर रहा है उस दौर में हम सबको देश के साथ खड़ा होना है, प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा होना है, हमारे देश के साथ। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए मंडी से ब्यूरो चीफ अमन अग्निहोत्री व विप्लव सकलानी की रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन, अगर आप हिमाचल प्रदेश में असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आपकी आयु 18 से 40 वर्ष तक है तो आप 60 वर्ष की आयु में 3,000 रूपए प्रति माह पेंशन के हकदार हैं। पात्र हिमाचली सेवा केंद्र में मुफ्त पंजीकरण करवाएं, हर महीने 75 से 200 रूपए अंशदान जमा करवाएं और भविष्य की चिंता से मुक्त हो जाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने जिला के श्रम अधिकारी एवं श्रम निरीक्षक से संपर्क करें।